एवरीवन, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप लोगों की माउंटेन फेरी और आज हम उठा रहे हैं अखरोट। जी हाँ, अखरोट बिल्कुल तैयार हो गए हैं, तो सोचा चलो एक बार यही काम कर लेते हैं क्योंकि फिर बंदर वगैरह अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। वैसे है तो नहीं, एक दो बंदर काफ़ी घूम रहे हैं गाँव में, तो बस आज यही करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। चलिए दोस्तों, ये जो पेड़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ना ज़्यादातर पेड़ वही पेड़ है जो कि मेरे बचपन से ही हैं, जितने मुझे हो रहा है टाइम अपना ही इनको भी हो रहा है। और तो इतने बड़े बड़े विशालकाय पेड़ है देखिए, और अखरोट निकालना इतना मुश्किल है ना इसमें, तो डंडे से मार मार कर निकालना पड़ता है। और कई लोग बोलते हैं कि पेड़ों को हार्म होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एप्रिकोट हो गया और ये वॉलनट हो गया, इसे इस तरीके से ही झाड़ के निकालते हैं, पेड़ों को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो यहाँ देखिए अखरोट सारा गिर गया है और ये हमने अभी उठा कर रखा है। हमने एक इसे ना इस तरीके से इसलिए रखा है ताकि ये देखो ये वाले जो है ना ये निकल जाएंगे, तो अलग अलग इसलिए करके रखा है। बाकी जैसे ये खाली जैसे बहुत टाइट है तो इसको हम दूसरी तरफ रखेंगे, कुछ दिन इसे ढक के रखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने वॉलनट वाली वीडियोस में आपको हमेशा से बताया है, ऐसे ही कुछ करना पड़ता है। बाकी हम उठा रहे हैं अभी, देखिए उठाने में जोर दिया है। मेहनत तो खैर बहुत लगती है क्योंकि एक 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 करके उठाना पड़ता है ना। देखो पेड़ों से गिर रहा है और एक 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 करके चुनेंगे हम लोग, फिर उठाएंगे। लूना भी हेल्प करने आई है हमारी, लेकिन ये अखरोट खाती है अपने दांतों से तोड़कर। अखरोट सुखा दिया है और बंदर का फिर से डर है, तो हमारे जो ये लेपर्ड जी हैं अब जाके ये सेवा करेंगे वहाँ। तो इसे देखकर ना बंदर नहीं आते, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, तो इसे मैं लेकर जा रही हूँ जहाँ हमने अखरोट सुखाया हुआ है। वैसे यहाँ पर भी हम सुखाते हैं अखरोट, लेकिन आजकल बारिशें हो रही है ना, थोड़ा धूप ढंग से पड़ नहीं रही है, इसलिए फिर वहीं बाहर ही सुखा रहे हैं। तो मैं लेके जाती हूँ। ये लूना कैसे सोई हुई है, अभी मुझे देख के उठ गई। लूना बेबी क्या कर रही है? लूना का रिएक्शन देखते हैं, लेपर्ड को देख के क्या करती है। और यहाँ देखिए बगीचे से पेयर्स आए हैं, टेस्टी टेस्टी कुछ अलग अलग वैरायटीज के हैं। यहाँ देखिए ये एक अलग वैरायटी का है और ये भी एक अलग वैरायटी का है, और यहाँ पे भी देखिए दूसरे वैरायटी के हैं। तो अब इसे लेके चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो अखरोट रखा हुआ है ना दोस्तों, ये भी वही है छांटे हुए अखरोट, और आज दूसरा दिन है हमारा अखरोट उठाने का। तो मैं यहाँ पे टमाटर ड्राई करके रख दिया। लूना साइड हट जा। और ये कंडे से मटर लाया हुआ था, ये सूख रहा है तो मैं यहाँ बिठाती हूँ इसे। इसे देखिए ना डर जाएगा। तो दोस्तों उस बड़े पेड़ से देखिए यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पांच, और ये रहा हमारा छः। छः यहाँ पे देखिए कटे
अखरोट निकले हैं और थोड़ा जो हमने वहाँ ऊपर सुखाया हुआ था। बाकी आज दूसरा दिन है तो दूसरे पेड़ की तरफ जा रहे हैं हम। और ये जो अखरोट है इसे 10 दिन और लगेंगे, ये तब आप जो इसका शेल है अपने आप फट जाएगा। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, दिखाऊंगी। यहाँ देखिए, अखरोट के साथ बादाम का सीज़न भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो सितंबर एंड और अक्टूबर का महीना है, ये ड्राई फ्रूट्स का ही महीना होता है, क्योंकि इस वक्त सारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हो रहे होते हैं। तो चिलगोजे भी अब पकने स्टार्ट हो गए हैं, लोग पेड़ों से कट कर रहे हैं उसके पाइन कॉर्न्स को। तो यहाँ देखिए, हमने बादाम सुखाया हुआ है, तो कुछ बादाम इस बार ऐसे थे कि जिनके छिलके नहीं निकल रहे थे, और यहाँ अखरोट अच्छे से सूख रहे हैं धूप में। और कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, तो पूरा ध्यान देना पड़ता है हमारे को कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अच्छे से सूख रहे हैं। और वहाँ अपना लैपर्ड उल्टा हो गया है, इसे खड़ा करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम अखरोट के फ़ायदे की बात करें, तो मैंने आप लोगों को हमेशा से ही बताया है कि अखरोट इतना फ़ायदेमंद ड्राई फ्रूट है ना कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इसके गुण बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब घुटने में ग्रीस की कमी होती है ना, तो हमेशा अखरोट खाइए। दिन में एक अखरोट खाइए, अखरोट को तोड़कर रात में भिगोइए और सुबह खाइए। कैसे नहीं बढ़ेगा आपका ग्रीस? ज़रूर बढ़ेगा आप लोगों का ग्रीस, घुटने का दर्द और जोड़ों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को अखरोट का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, और ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और ब्लड प्रेशर कम करता है ना। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है कि हम इसे नज़रअंदाज कर लेते हैं। इवन आप लोगों को तो चलो मार्केट से ख़रीदना पड़ता है जहाँ पे अखरोट के पेड़ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे अखरोट के पेड़ ही पेड़ है। और हम लोग भी खाने में लापरवाही कर लेते हैं कि विंटर्स में हम बादाम के पीछे जोर दिया होता है हमने कि बादाम भिगो कर खाना है, लेकिन अखरोट को भी साथ के साथ खाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो मज़ा आ जाता है वैसे अखरोट खाने में, तो आप लोगों को भी खाना चाहिए अखरोट। कई लोग होते हैं जिनको अखरोट पसंद नहीं होता है, तो वो क्या करें, लड्डू बनाइए है ना अखरोट और नारियल की, तब खा सकते हैं। और अगर आप शेक पी रहे हैं है ना, अखरोट बादाम वगैरह सब कुछ हेल्दी शेक बनाकर पी सकते हैं, खाली अखरोट ही ना खाना हो, तो इस तरीके से हम अखरोट को हर किसी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, पी सकते हैं उसका शेक्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह बनाकर। और जब हम अखरोट जाड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर प्लेन एरियाज हो तो हम वहाँ पर तिरपाल बिछा सकते हैं और जाड़ेंगे तो सब तिरपाल पर गिर जाएगा, लेकिन ये क्या होता है ना, हमारे यहाँ सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों में, तो बहुत दिक्कत होता है, इतना हम इतने सारे तिरपाल ला नहीं सकते और जाड़ेंगे तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं, और अखरोट तो बस छलांगे मारते कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे को यहाँ पे काफ़ी मेहनत लगती है उठाने में अखरोट।
अब आप लोग पूछेंगे कि क्या आप सेल करते हैं। हम सेल नहीं करते, किन्नौर के बहुत सारे लोग हैं जो कि अखरोट बादाम वगैरह सेल करते हैं। ये सारे हम अपने यूज़ के लिए रखते हैं, और लोकल मार्केट में आप लोगों को हमारे लोकल अखरोट है, बादाम, मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। अगर आप किन्नौर आते हैं तो रिकॉम्पियो से भी परचेज कर सकते हैं, सांगला वैली में भी मिल जाएंगे आप लोगों को, लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं। शाम के समय में लूना और स्नो के साथ खेतों में टहलने के लिए निकल जाती हूँ। गाँव का जो नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत रहता है। ये जो खेत है हमने इसमें राजमा बीजा है जो कि अब बिल्कुल रेडी हो गया है। राजमा की जो फलियाँ हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गई हैं। और सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि सेब सीज़न के साथ साथ हमारे जो भी अनाज है, दालें हैं, ड्राई फ्रूट्स है, बस सारे काम जल्द से जल्द निपटाना पड़ता है क्योंकि सर्दियां आने वाली है। और किन्नौर में आजकल सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, स्वेटर के बिना काम नहीं चलने वाला। तो आप लोगों की वहाँ पे भी ठंड हो गई है, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।